फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनाश्री और मैं ब्यूटी, स्किन केयर और हेयर केयर के रिगार्डिंग वीडियो लेके आती हूं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मस्ट 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 सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जनरली लड़कियों की एक आदत होती है, लोग मेकअप करे या ना करे, लेकिन आईलाइनर का यूज ना हर एक लड़की करती है। और जिन लोगों को नहीं आता ना, वो भी यूज करना बहुत ज्यादा चाहती है। उनके लिए मैं स्पेशली बिगिनर DIY वीडियोज में लेके आऊंगी आईलाइनर के ऊपर, ताकि आपको जल्दी से जल्दी लाइनर लगाना आ जाए। अगर डेली रूटीन लाइफ में हम लोग आईलाइनर लगाने में 5-6 घंटे लगाएंगे तो यार कैसे चलेगा। इतना ज्यादा टाइम तो सुबह में होता नहीं। अगर कॉलेज गोइंग गर्ल है तो उनको भी इतना मॉर्निंग में कॉलेज जाना होता है। जॉब कर रहे हो तो आपको घर संभालना है, जॉब करना है, फिर भी आपके पास इतना तो टाइम नहीं रहता है कि एक घंटे तक ऐसे ऐसे लाइनर लगाते रहो। तो सबसे आसान वाला लाइनर जो है और उसमें भी आपके बजट में आ जाता है ना, वो वाला ये लाइनर है, जो कि है लैक्मे का आईलाइनर। अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो ये काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है और एक ये नेल पॉलिश के जैसे है। मतलब ये आपके बैग में कभी भी इसका ढक्कन खुल नहीं जाएगा, आपके बैग गंदा नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं बजट की बात करूं तो बजट में ना ये काफी ज्यादा आपके बजट में है। ये 120 रुपए का है, लेकिन मैं शॉप में से, लोकल शॉप में से मैंने इसको परचेज किया है ना, तो फिर भी मुझे ये 100 रुपए का मिल चुका है। तो मतलब 100 रुपीज में आईलाइनर अगर 2 साल के लिए आपको मिल जाए ना, तो बेस्ट चीज है। मैं डेली लाइफ में आईलाइनर अप्लाई करती हूँ और ये मेरे पास ना मिनिमम 2 साल से तो है ही। इसका जो एप्लीकेशन है ना, तो इसमें एक ब्रश फॉर्म में आता है और जो कि काफी ज्यादा, मतलब एकदम से स्मूथ ब्रश है, दिख रहा है आपको, एकदम से छोटे से पॉइंट का है। मतलब आपको जितनी पतली लाइनर बनानी हो ना तो आप इसको बना सकते हो। लेकिन देखो क्या स्मूथ एप्लीकेशन है। लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम आपको होता है, हर जब भी मैं जल्दी जल्दी में होती हूँ ना, तब मैं बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि इसको ना सूखने में 2 से 3 मिनट आराम से लग जाते हैं। अगर ये सूखा नहीं है और मैं इसको टच करती हूँ ना, तो देखो, तो मतलब ये पूरा गंदा हो जाएगा। और इसके सूखने के बाद हमने जो लाइनर किया ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ लाइनर है, ये 100% श्योर मैं आपको बता सकती हूँ। इसको सूखने के बाद ना एकदम से ब्लैक मैट फिनिश लुक आपको देता है। मतलब मैट फिनिश लुक ना, कोई भी ऐसे ही लाइनर करो ना, सिर्फ और सिर्फ लाइनर, तो भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग लाइनर ले लेते हैं लेकिन उसका मैट फिनिश लुक नहीं होता, वो ग्लोसी होता है। वो ग्लोसी वाला मुझे इतना पसंद नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है डेली रूटीन लाइफ में। तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और यहाँ पे देखो, मैं आपको करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी स्मज नहीं होने वाला है। बाकी इसके कोई भी साइड ऑप्शन नहीं है। अगर आप डेली रूटीन लाइफ में इसे यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल यूज करो। मेरी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं कोई भी एरो लाइनर लगाती हूँ तो मेरी आंखों में खुजली शुरू हो जाती है, लेकिन इससे मुझे कुछ नहीं होता। तो जिनकी सेंसिटिव आंखें है ना, मतलब सेंसिटिव स्किन है ना, उन लोगों के लिए ये बेस्ट है। ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, सब लोग इसे आराम से यूज कर सकते हो। और डेली रूटीन लाइफ में या 7 to 6 आवर्स के लिए ये बेस्ट है। अगर आप ये लाइनर परचेज कर रहे हो या यूज कर रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। तो बस कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग के वीडियो के साथ मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।